छठ पूजा महापर्व को मनाने के लिए विगत कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। इस महापर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा सके, आखिरकार आज वह दिन आ ही गया है जिसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष इस महापर्व के पावन त्यौहार में शामिल होकर धूमधाम के साथ आयोजन का लुत्फ उठा रहे हैं। शंकर मंदिर के बम बम तालाब में संपूर्ण तैयारियों में ओरिएंट पेपर मिल, नगर परिषद बगोह एवं छठ पूजा समिति ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सीएमओ रवि करण त्रिपाठी एवं रवि शंकर शर्मा ने साफ सफाई, लाइटिंग सहित प्रांगण में संपूर्ण व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाल रखी है जिससे कि भक्तों को समस्या ना हो। पेपर मिल के द्वारा कराई जाती रही हैं, लेकिन विशेष रूप से साफ सफाई, पूरे तालाब की सफाई, ब्लीचिंग आदि का छिड़काव और यहाँ पर फिटकरी तालाब में डलवाना, इसके बाद लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से करने का जो सुझाव और मैंने निर्देश कर्मचारियों को दिया है वो लगभग आपके नगर परिषद कितने कर्मचारी लगे होंगे इस काम? मेरे यहाँ लगभग 25 कर्मचारी 3 दिन से लगातार सफाई में, लाइट व्यवस्था में एवं अन्य व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और पानी का टैंकर की भी व्यवस्था रहेगी। इसके बाद यहाँ बच्चे लिए टॉयलेट रहेगा जिसमें, और शौचालय की व्यवस्था की जाएगी जिसमें माताओं को और जनप्रतिनिधियों को, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई छठ के पर्व में दिक्कत न जा सके। और मेरा भविष्य में भी यही प्रयास रहेगा कि ये जो कार्य छठ के पर्व पर जो तैयारियाँ आज और कल तक चलती रहेंगी, ये एक दिन पहले से ही पूरी तैयारी अप टू डेट यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए मिलेगी और अच्छे से अच्छा पर्व मनाया जाए। आज से ही छठ पर्व के दिन समस्त नगरवासियों को, देशवासियों को छठ पर्व पर मेरी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मेरा नाम है रवि करण त्रिपाठी। ठीक, कृपा से पेपर मिल द्वारा, हमारे सीईओ द्वारा यहाँ पर हर साल पर रंग रोमन करवाया जाता है, पूरे मंदिर परिसर का साफ सफाई की जाती है, आगे के घास रास्ता साफ किया जाता है और बहुत सारी झाला लगवाई, लाइट लगवाई जाती हैं। ये पेपर मिल द्वारा हर साल किया जा रहा है, हमारे शिवाजी गुप्ता जी द्वारा इसका जो पूरी व्यवस्था है उनके द्वारा की जा रही है। आप ओरिएंट पेपर मिल किस पद में हैं? मैं ओरिएंट पेपर मिल में सीनियर मैनेजर हूँ, उनके पद में काम करता हूँ। अब हम मंदिर का निरीक्षण करने भी आए हैं अभी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शहडोल से अनिल लहंगीर की रिपोर्ट।